नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की साख तय करेंगे। यह संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का इस क्षेत्र में दबदबा रहा है। इस बार उनके बिना कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा, इसलिए सबकी नजर है कि इस बार शिमला संसदीय क्षेत्र में हॉली लॉन्च का प्रभाव कितना रहा। दूसरी ओर भाजपा के लिए डबल इंजन सरकार के सहारे कांग्रेस के इस गढ़ को भेदने की चुनौती है। 1985 के बाद प्रदेश का यह पहला विधानसभा चुनाव है जब कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह जैसे नेता नहीं है। इसके बावजूद हॉली लॉन्च के दबदबे को कम नहीं आका जा सकता। यह वीरभद्र सिंह के प्रति लोगों की सहानुभूति ही थी कि 2021 में विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह लोकसभा उपचुनाव जीत गई। वह मंडी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और जिले की सभी 10 सीटें भाजपा के पास थी। प्रतिभा सिंह इस समय कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो शिमला संसदीय क्षेत्र में पार्टी के प्रदर्शन को हॉली लॉन्च की साख से भी जोड़कर देखा जाएगा। अभी तक हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह के कारण इस क्षेत्र का वर्चस्व रहा है। इस वर्चस्व को कौन आगे बढ़ाएगा, इसका फैसला भी विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करने वाले हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें शिमला जिले की 7, सोलन और सिरमौर जिला की 5-5 सीटें शामिल हैं। शिमला जिले की रामपुर सीट मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।